अपने पास भी आ गया है इंडिया का बेस्ट सेलिंग फोन। तो करते हैं आज इस फोन की अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि ये कैसा फोन है, कौन सा फोन है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों ये है Redmi Note 5 Pro 6GB वेरिएंट जो मैंने Flipkart से ऑर्डर किया। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद ये कुछ इस तरीके का आता है, ये Redmi Note 5 Pro का बॉक्स। थोड़े से स्पेसिफिकेशंस दोस्तों आपको मैं बता दूं। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है जिसमें 12+5 का कैमरा है, और सेल्फी के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अगर बात प्रोसेसर की करें तो इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 636। बॉक्स खोलने पर यह मिल जाता है हमें एक Redmi Note 5 Pro का हैंडसेट। बॉक्स के अंदर हमें एक देखने को मिल जाता है एक सिलिकन केस जो फोन को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे इस बार अच्छा किया Redmi ने, ये केस भी दे दिया है, और ये कुछ पेपर वर्क है। बॉक्स के अंदर एक डेटा केबल मिल जाती है, 5V 2A का एक चार्जर मिल जाता है जो कि नॉर्मल है। वैसे Redmi को इस स्मार्टफोन के साथ आई थिंक फास्ट चार्जर देना चाहिए, और जब इस स्मार्टफोन को मैं 1-2 हफ्ते यूज कर लूंगा तो इसका ओवरऑल रिव्यू दे दूंगा। वैसे ये 2018 का सबसे ज्यादा सेलिंग फोन बन सकता है आई थिंक, क्योंकि इसकी ज्यादा डिमांड थी। और फोन के अंदर एक वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर लॉक अनलॉक, इसके बाद ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप है 12+5 का, फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से जरूरी भी है। इसके बाद आपको माइक मिल जाता है, 3.5 ऑडियो जैक मिल जाता है, चार्जिंग स्लॉट एक मिल जाता है। दोस्तों ये फोन फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है 5.9, और जिसका एस्पेक्ट रेशो 19:9 का है। चलिए जल्दी से फोन को सेटअप करते हैं, तब तक मैं दूसरी और डिटेल आपको बता देता हूं। दोस्तों बात करें अगर दोस्तों इस फोन की बैटरी की, तो इसमें 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाएगी, और ये MIUI 9 पर रन करता है, और अपने प्राइस रेंज पर ये स्मार्टफोन काफ़ी दमदार मुझे दिखा। मैंने काफ़ी टाइम इसका वेट किया, हालांकि मुझे Honor Play स्मार्टफोन जो अभी लॉन्च हुआ है वो मुझे खरीदना था, बट नहीं मिल पाया वो, तब मैंने इस फोन की चॉइस की है। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो कि under 20,000 की रेंज में मैं कुछ स्मार्टफोन की सीरीज लाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और हाँ, इसमें मैं ये बताना तो भूल ही गया, ये 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाला स्टोरेज है जो कि लगभग 17,000 रुपये की कीमत पे मुझे मिला है। इसका 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला भी डिवाइस है, 4GB रैम वाला भी एक डिवाइस है, कोई 15 का है कोई 13 का है, जैसे कि 3GB रैम 32GB वाला शायद 13,000 रुपये का है। वैसे आज की डेट में रेडमी की स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप या तो आप 2 4G सिम चला सकते हैं, या तो आप एक मेमोरी कार्ड यानी एक USB कार्ड और एक सिम चला सकते हैं। जायरोस्कोप, हेल्थ सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सारे सेंसर्स मिल जाते हैं और भी हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमने 1-2 फोटो भी क्लिक करके देखी जो कि काफी अच्छी दिखी हमें, इनकी डिटेल्स काफी अच्छी नजर आई। हमने सेल्फी और रियर कैमरा से क्लिक करके देखा फोटो, पोर्ट्रेट मोड पे भी खींच के देखी तो काफी अच्छी डिटेलिंग इसमें नजर आई। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में फुल रिव्यू दूंगा। तो ये तो था मेरे तरफ से एक अनबॉक्सिंग। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।